ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। जब हमें नजर आता है कि कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे, ऐसे बहरूपिये सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गढ़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अभी हालिया दिनों में कैलबरी फोन की तरह जालसाजी करके कश्मीर में अपनी फ़ोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर, एडिट शुदा फ़ोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है, कि कितनी उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं, लेकिन उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं, मोदी की हलफनामे का चा चढ़ा हुआ था उनको कि मैंने जाकर मोदी के हलफनामे के अंदर जो है वो शामिल होना है। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपने पार्टनर सज्जन जंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलकर खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जद्दोजहद है।